देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन पर हिंदू और मुस्लिम वर्ग ने मिलकर निकाला जुलूस। बारा बफात का शहर में निकाला गया धूमधाम से जुलूस। विश कमेटी के लोगों ने झंडे के साथ निकाला जुलूस। डीजे के धुन और आतशबाजी के बीच शहर में निकला पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जुलूस। हिंदू और मुस्लिम वर्ग के लोग एक साथ मनाते हैं पैगंबर साहब का जन्मदिन। गंगा जमुनी तहजीब के लिए हमेशा जाना जाता है। बांदा सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन मौजूद। आपको बता दें, बांदा जनपद में हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे और गंगा जमुना तहजीब की मिसाल सामने आई है। आज मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन को लेकर के बांदा में बड़ी धूमधाम से बारा वफात का त्यौहार मनाया गया है। इस दौरान शहर के तमाम हिंदू मुस्लिम वर्ग के लोगों ने एक साथ मोहम्मद साहब के जन्म के मौके पर डीजे के धुन के साथ आतशबाजी के बीच झंडा निकालते हुए धूमधाम से मनाया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चुस्त दुरुस्त नजर आया है। ये थी बांदा से विष्णु सिंह की रिपोर्ट। किस तरह का त्यौहार है, किस तरह इसको बनाया जाता है, क्या है? आज जो त्यौहार है ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार है। इसको यहाँ के हिंदू मुस्लिम दोनों भाई मिलके मनाते हैं। जो झंडे निकाल के, कई झंडे यहाँ पे निकाले जाते हैं। हर झंडे में 20-25 लोगों की टोली रहती है। सब लोग जश्न ईद मिलादुन्नबी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए सभी लोग जो जनसंख्या थी उसको कम कर दिया गया है और सोशल डिस्टेंस और मास्क उपयोग करते हुए सभी लोग आज झंडे निकालेंगे। कोरोना की किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पे, मास्क का क्या है? और कमेटी से कह दिया गया है, जो भी कमेटी के सदस्य हैं उनको अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी सदस्य और जो भी झंडे लेने वाले हैं सबको मास्क लगाना जरूरी है और सभी मास्क लगाए हुए भी हैं। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ।